के पास भी एक आलू वाला पीसी है और उसमें कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं एंड वो आलू वाला पीसी में आपके पास पीसी नहीं है, मतलब यार ना सिस्टम रिक्वायरमेंट ढंग का है ना मेरे पास स्टोरेज है, मैं क्या करूँ यार, पर फिर भी मेरे को ओपन वर्ल्ड गेम खेलना है। तो वेल गाइस, ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए होने वाला है। अगर मुंह लटका के बैठे हो तो खुश हो जाओ और वीडियो को देखो। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, इस वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए कुछ 5 ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम लेके आऊं जो कि 300 MB के अंदर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना गारंटी आपको देता हूं कि आप इन गेम को खेल के बोर नहीं होंगे एंड इस गेम में आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। सच है, जितने भी गेम्स के लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। और आपने स्क्रॉल करते करते इस वीडियो को देख लिया या आपके प्यारे दोस्त ने आपको वीडियो सजेस्ट की भाई देखो ये वीडियो देख लो, तो भाई एक लाइक एक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। देखो तो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे फर्स्ट गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। एंड बेसिक मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया मैड आउट गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया 2 फरवरी 2017 को। एंड इस गेम का क्या कहना भाई, इस गेम का जितना तारीफ करूं उतना कम है। आप जैसी गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी देख सकते हैं एंड इस गेम का यार मैप देखो, कितना बड़ा मैप है। अब आप बोलोगे भाई थोड़ी ना ही गेम का साइज 300 या 400 MB, इस गेम का साइज तो बहुत होगा भाई, 3 से 5 GB होगा। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इस गेम का साइज मिनिमम मात्र 300 MB है। आपको बस 300 MB डाउनलोड करना है एंड ये गेम आपके लो एंड से लो PC एंड लैपटॉप में गेम आराम से चल जाएगा। दूसरी बात कि इस गेम में आपको सिंगल प्लेयर भी खेलने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, जैसे कि हम GTA 5 में रोल प्ले मोड खेलते हैं। तो इस गेम में आप टोटली वो सभी चीज़ खेल सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। एंड इस गेम में आपको काफ़ी सारे यार स्पोर्ट्स कार्ड देखने को मिल जाती है, इंटरेस्टिंग टाइप के आपको इसमें मिशन देखने को मिलेंगे। यार मैं कसम से बताऊँ तो आप इसे छोटा GTA 5 का दर्जा दे सकते हो, जिनके पास उतना हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है या उनके पास उतना डेटा नहीं है और वो GTA 5 खेलना चाहते हैं, तो भाई ये गेम आप ही के लिए बना है। तो जरूर से इस गेम को ट्राई करना। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है भाई, वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। सो वेल गाइस, रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। स्पेस की बात करें तो भैया 500 MB के आसपास स्पेस खाली रखना। एंड प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इस गेम को इंस्टॉल करना है तो मेक श्योर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आप इस गेम को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है क्रैश मेटल साइबरपंक। एंड दोस्तों, क्रैश मेटल साइबरपंक एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया स्टेनिस्लॉ डेफ के द्वारा। एंड बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया 18 दिसंबर 2020 को। एंड बेसिकली ये आपकी PC प्लेटफॉर्म भी आसान तरीके से आप इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसे आप macOS में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली एक पेड गेम है दोस्तों, स्टीम में इसका प्राइस 99 रुपीज है, बट इसे आप डेमो वर्जन खेल सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपनी वेबसाइट पर दे दूंगा, वहां से आप जाके इसे डेमो वर्जन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस गेम की साइज की बात करें तो मात्र 170 MB का गेम है। एंड जिस हिसाब से यार गेम का ग्राफिक्स एंड यहाँ पर आपको जो ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी ओपी है। एंड मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आपने अगर साइबरपंक 2077 अगर खेला होगा या उसका गेम प्ले देखा होगा तो टोटली दोस्तों उस टाइप का यहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाएगा। पूरा सिटी आपका यहाँ पर साइबरपंक का देखने को, बेसिकली आपको रेसिंग करना रहता है एंड आप अगर आप रेसिंग नहीं करना चाहे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो तो भी आप यहाँ पर ओपन वर्ल्ड मोड को खेल सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र आपके PC या लैपटॉप पर 200 MB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो भाई अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है टोटल ओवरडोज। एंड दोस्तों, इस गेम को आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार जरूर खेला होगा। तो टोटल ओवरडोज की बात करें, ये एक ओपन वर्ल्ड 3rd-person शूटिंग एक्शन स्टाइल वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डेड लेंस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया SCI गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही आसान तरीके से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर एंड इस गेम को रिलीज किया गया था
16 सितंबर 2005 को। गेम की बात करें तो गेम स्टार्ट होता है दोस्तों 1989 को, जहां पर अर्नेस्टो क्रूज जो एक अंडरकवर कॉप रहता है, डीईए एजेंट रहता है, और वो एक जंगल में जाता है, एक लोकल आर्मी से उसका झड़प हो जाता है, जहां पर वो एक इकट्ठा करने जाता है पापा मोर्टे, जो कि बहुत ही बड़ा यार मतलब क्रिमिनल रहता है या गैंगस्टर ही बोल सकते हो, जो कि ड्रग्स व्रग्स का सप्लाई करता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारा डीए एजेंट रहता है उसे मिल जाता है सबूत, एंड वो जब वापसी करते रहता है तो होता क्या है कि जो हमारा गैंगस्टर रहता है उसके दो ऑफिसर डीए एजेंट में रहते हैं, अस्ट्रे रहता है, उसे वो प्लेन से फेंक देते हैं। और डीए जब डीए का मीटिंग होता है कि भैया वो हमारा डीए एजेंट कैसे मरा, तो ये रिपोर्ट आता है कि वो ड्रग्स, कोई भी मिशन अपना जो टास्क कंप्लीट करने के लिए ड्रग्स का ओवरडोज देता था, इस वजह से वो प्लेन से गिर गया और मर गया। बट ये रिपोर्ट से उसका जो उसका बड़ा बेटा रहता है टॉमी को वो ये बात हजम नहीं होता कि सकते इसके पीछे कुछ साजिश है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब यहाँ पर जो इसका बड़ा बेटा एंड इसका जो छोटा बेटा जिसका नाम रेमेरियो रहता है, ये दोनों मिलके पापा मोर्टे के ही ठिकाने रहते हैं, उन सभी को ये लोग पहले तो डिस्ट्रॉय करते हैं। बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, साथ साथ यहाँ पर आप कार चला सकते हो, जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो वो सभी चीज़ इस गेम में आप कर सकते हो। साथ साथ गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है, एम की बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए आपकी पीसी या लैपटॉप पे, और वीडियो मेमोरी की बात करें मतलब ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 32 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। और सीपीयू की बात करें, इट्स मीन प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 1 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आयरन मैन। एंड दोस्तों, आयरन मैन एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया सेगा के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, ये आपके ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध, आप इसे प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड अपने प्लेस्टेशन 3, इनफैक्ट अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीका से इसे आप खेल सकते हो। इस गेम को दोस्तों रिलीज किया गया था मई 2008 को। बेसिकली इस गेम में मोड की बात करें तो भैया अभी तक ये सिंगल प्लेयर ही आता है। एंड गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप आयरन मैन, अगर आपने फिल्म देखा होगा आयरन मैन फिल्म, तो पूरा स्टोरी लाइन सेम टू सेम जैसे फिल्म में हमें दिखाया गया था, पूरा इस गेम में पूरा चेप दिया गया है। यहाँ पर आप एक आयरन मैन का किरदार निभाते हो जो कि हम सभी जानते हैं, जिसका नाम टोनी स्टार्क रहता है, तो क्यों बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। सारे साथ दोस्तों, इस गेम का मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगता है कि इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिलेगा। इस गेम का जो मैप है काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ साथ गेम की साइज की बात करें तो भैया गेम मात्र 200 MB का है। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 2 GB के आसपास स्पेस खाली रखना, ऑल करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारा लास्ट एंड फिफ्थ गेम के ऊपर। तो वेल गाइस, जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टो ट्रक सिमुलेटर 2050। टू ट्रक सिमुलेशन 2050 एक ओपन वर्ल्ड सिमुलेशन गेम टाइप का है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट के द्वारा। बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 11 मई 2018 को। एंड सारे साथ दोस्तों, गेम की बात करें तो गेम का मैप काफी यहाँ पर आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर सिंगल प्लेयर आपको खेलने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सारे साथ यार, गेम का जो मैप है वो काफी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, काफी बड़ा मैप है। एंड यहाँ पर आपको रियल ट्रैफिक भी देखने को मिल जाता है। गेम में आपका टोटल 3 टाइप का मोड आपको देखने के मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप एक ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाते हो, जो भी पार्किंग में कार्स रहते हैं उन सभी को उठा के उसके डेस्टिनेशन में आपको पहुंचाना रहता है। तो बेसिकली इसी से आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी है। गेम की साइज की बात करें तो गेम का साइज मात्र 200 MB है। अगर आप इस गेम को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वेल गाइस, इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 1 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो भाई इस गेम को इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। दोस्तों की ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जिनके पास एक आलू वाला पीसी और वो बेचारे लॉकडाउन में ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए हैं और वो कुछ ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं, साथ साथ उनके पास एक अच्छा इंटरनेट प्लान नहीं है। भाई देखो, दोस्ती निभाने का ये सबसे अच्छा मौका रहता है। और एक बार दोस्तों की अगर आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत आता तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।